गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नामदेव स्कूल की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार आज आपके लिए लेके आया हूँ लेसन नंबर 3 का लेक्चर 3। इस लेक्चर 3 के अंदर जो हमने जो पहले दो लेक्चर देख लिए उस टॉपिक के अंदर मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज की जो लेक्चर सीरीज है उस लेक्चर सीरीज के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहले पॉइंट। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आवेश के निकाय के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। दोनों ही टॉपिक आसान है, आप समझना और चुटके में समझ में आ जाएगा, ऐसी कुछ इसमें नहीं है। बस आपको वो पोटेंशियल की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप इस टॉपिक को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। ये तो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, उसको पहले मैं थोड़ा हिंदी में जो लिखना है वो लिखूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ सर, सर एक नोट्स के बारे में क्या होगा, सर नोट्स जो है आपको बेटा मैं एक दो दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में, मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स के, ठीक है। तो देखो बेटा आप सुनो मेरी बात को, माना एक स्रोत आवेश है जो कि मूल बिंदु पर स्थित, ये मेरे मान लिया क्या बेटा, एक स्रोत आवेश है जो कि मूल बिंदु पर स्थित है, स्रोत आवेश। इस स्रोत आवेश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, मैं इसको स्रोत छोटा बना देता हूं, ये हमारे पास एक स्रोत आवेश, पॉजिटिव चार्ज है। इस स्रोत आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, इस बिंदु पी पर मुझे क्या निकालना बेटा, विद्युत विभव निकालना है। सुना, माना एक स्रोत आवेश क्यू, इस स्रोत आवेश क्यू के से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, इस बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। वापस अगर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो परिभाषा बोलो उसकी, इसके लिए हम अनंत से एक समान वेग से गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए, सुना अनंत से एक समान वेग से गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उस बिंदु तक परीक्षण धनावेश को लेकर आएंगे। तो हमने क्या किया बेटा, विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसके लिए सुनना मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, इसके लिए हम एक परीक्षण धनावेश को अनंत से एक समान वेग से गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उस बिंदु तक लिए गए कार्य को ज्ञात करेंगे। तो मैंने एक परीक्षण चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट में लिखूंगा नहीं, परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को जब मैं लेके आ रहा था यहाँ पे अनंत से, तो अनंत से लेके आने के दौरान मैं क्या किया, बीच में किसी रास्ते पॉइंट ए पर पहुंचा, और इस पॉइंट ए की इसकी डिस्टेंस जो थी वो कितनी स्रोत आवेश से, वो कितनी थी एक्स। जब इस परीक्षण धनावेश को मैं अनंत से एक समान वेग से गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए उस बिंदु तक लेके आ रहा था, तो मैं एक जगह रुक गया, मतलब एक जगह पहुंचा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, कैसे अगर सपोज करो आप यहाँ सुनोखा से नागौर जा रहे हो, तो बीच में कहीं श्री बालाजी आपने रुक गया, सपोज करो कहीं भी रुका, आपकी लोकेशन तो नहीं थी, मैं अभी एट द टाइम गया हूँ, तो मैं एट द टाइम ए पर था। अब उससे इसकी डिस्टेंस कितनी थी, मैंने मानना कितनी है बेटा एक्स। तो जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे आया तो इस ए बिंदु पर पॉइंट पे लगने वाला विद्युत बल कितना होगा वो निकालेंगे। तो बिंदु बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, मतलब कितना बल लगेगा, कूलम के नियम से निकाल लो बेटा, वो कितना होता है 1/4πε0 क्यू स्रोत आवेश का, क्यू नोट टेस्ट चार्ज का, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ये बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब सुनना मेरी बात को, जब ये पॉइंट ए पर ये चार्ज पहुंच चुका था, तो इस चार्ज को मैं अगर मैं डीएक्स विस्थापित किया है इसको, तो डीएक्स विस्थापित करने के लिए मुझे कितना कार्य करना पड़ता बेटा, डीडब्ल्यू कार्य करना पड़ता, क्योंकि विद्युत बल किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है तो भी निकाला था हमने इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरफ लग रहा है। तो क्या लिखूंगा बेटा, इस क्यू नॉट आवेश को, इस क्यू नॉट आवेश को डीएक्स विस्थापित करने के लिए, विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य डीडब्ल्यू, बहुत ज्यादा लिख रहा हूं माफ करना, इसको आगे से नहीं लिखेंगे डीडब्ल्यू। तो डीडब्ल्यू कितना हो जाएगा, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर।
ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसको वेक्टर प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना आएगा बेटा, एफ डी एक्स कोस थीटा। थीटा कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, क्योंकि तो विस्थापन जो हुआ वो किस तरफ हुआ, इस तरफ, तो थीटा बराबर कितना देगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ बेटा, थीटा को टाकर के लिख सकता हूँ 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान कितना होता है भाई साहब, बोलना है उसके लिए, कॉस 180 का मान होता है कितना, माइनस का एफ डॉट डी एक्स। इक्वेशन रेडी बेटा, देख लो बेटा ये माइनस आ गया। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये फोर्स जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और मैंने उस दिन जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी या पोटेंशियल पढ़ाया था, तो उस दौरान मैंने आपको फिर से बताया था कि यहाँ पे जो माइनस आया वो किसके कारण आया, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आया। ठीक है, आप इस एंगल से देख लो ना कि एंगल के कारण ये कितना बन रहा है, 180 के कारण क्या बन रहा है, माइनस के बन रहा है, इस चीज के कारण। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, रख दो बेटा मैंने तो है बेटा माइनस का, ये हो जाएगा 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना देगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। अब ये तो एक अल्पांश कार्य आया, मतलब मैंने इसको डीएक्स विस्थापित किया तो डीडब्ल्यू कर रहे हैं, और मुझे कार्य कितना निकालना है, उसको अनंत से उस बिंदु पी तक लाने के लिए पूरा कार्य निकालना है। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन कहां से करना है बेटा, इनफाइनेट से इस बिंदु P तक, और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितनी है बेटा R, तो हमें इनफाइनेट से R तक पूरा कार्य करना है। तो अब क्या लिखूंगा, Q नोट आवेश को अनंत से कहां तक, बिंदु P तक लाने के लिए किया गया कुल कार्य, वो कितना हो जाएगा, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कहां से कहां तक करना है बेटा, इनफाइनाइट से आर तक का करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरा वर्कडन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका बेटा डीडब्ल्यू का मान रख दो, डीडब्ल्यू का मान रखेंगे तो कहेगा इंटीग्रेशन इनफाइनेट से आर डिस्टेंस तक, यह आ जाएगा माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट कितना हो जाएगा डीएक्स। जो चीज कॉन्स्टेंट है वो समाकलन से क्या निकल जाती है बाहर, तो कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट और ये 4 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, देखो ये माइनस है, और समाकलन में आपने चीज पढ़ी होगी, मतलब समाकलन में आपको जो फिजिक्स के तो समाकलन आया था क्लास 12th 11th के अंदर लेसन नंबर 2 में, मतलब गणितीय भौतिकी, उसमें आपको पता है कि बेटा लिमिट चेंज करने पर ये माइनस क्या जाता है, हट जाता है। तो मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, तो ये कितना जाएगा बेटा आर टू इनफाइनेट और कितना जाएगा 1/4 में एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। आपने एक समाकलन पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/4 में आर स्क्वायर डॉट डीआर का, और ये कितना होता है माइनस का 1/4 में आर। तो यहाँ पर अगर समाकलन करेंगे इस पिक्चर का तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे जो वर्कडन है ना वो एक्सटर्नल वर्कडन है, कहां से कहां तक है बेटा, इनफाइनेट से पी तक का, ये कितना आ जाएगा क्यू नोट क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन इसको कर दिया हमने पूरा, तो माइनस का कितना आएगा 1/4 में एक्स लिमिट है आर टू इनफाइनेट। पहले इसको सॉल्व कर लेते बेटा, क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नोट, और ये कितना है, लिमिट चेंज कर दें बेटा, लिमिट चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/4 में एक्स आर टू इनफाइनेट, और ये कितना आ गया ए क्यू नोट अपॉन में कितना आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नोट। अपर लिमिट माइनस क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट, तो 1/4 में आर माइनस, यहाँ पे देखो 1/4 में कितना आएगा अनंत। अब मैं इस फैक्टर को देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, डब्ल्यू ने कहां से किया था हमने, इनफाइनेट से आर तक, और ये कितना देगा क्यू क्यू नोट अपॉन में कितना देगा 4 एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा 1/4 में आर। जो बेटा 1/4 में अनंत कितना होता है 0। अब किसी के मन में ख्याल आ रहा सर आपने तो या मतलब मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्या कर दी कि सर आप तो यहाँ पे तो कार्य लिख ही नहीं रहे, एक्सटर्नल एजेंट आपने यहाँ के लिख दिया, ऐसा कैसे हुआ।
क्या बात है सर, इसमें कोई चेंजिंग है या नहीं है? तो बेटा आपने पढ़ा होगा, जब मैंने कार्य पढ़ाया था एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से, ए से बी तक का, तो वो कार्य किसके बराबर था? आप सोचना यूनिट के लिए, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट ए टू बी और डॉट कितना था डी आर, उसको बराबर लिखा था माइनस का कितना था ए टू बी और कितना था एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। बेटा ये तो माइनस था ना, उसको मैंने यहाँ पे माइनस था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख सकता हूँ क्या, ये क्या होगा एक्सटर्नल एजेंट ही होगा, कहाँ से इनफाइनाइट से पॉइंट आर तक या पॉइंट पी तक लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया, इससे हमें क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल एक्सटर्नल एजेंट कितना इनफाइनाइट से आर दूरी तक लेके आए थे, वो पी पॉइंट के लिए तो एक ही बात है, वो कितना है वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन, मैं रीअरेंज करना चाहिए देखो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन में कितना देगा आर। अब विद्युत विभव की परिभाषा तो होती है बेटा, वो क्या होती है, विद्युत विभव की परिभाषा से, वो कितना था डब्ल्यू वी जो होता है पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर, वो होता है डब्ल्यू है एक्सटर्नल एजेंट कहां से इनफाइनाइट से पॉइंट पी पर अपॉन में कितना होता है क्यू नॉट। तो देखो बेटा अब या तो आप एक काम करो कि डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट का मान तुम यहां रख दो, और नहीं तो फिर आप क्या करो इस क्यू नोट को डिवाइड में लेके चले जाओ, तो क्यू नोट यहां से हटके यहां से जाएगा ना वो बन जाएगा ये सब, ठीक है। तो जैसे करना था वैसे कर लो, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसको एक समीकरण देता हूँ एक, इसको दे देता हूँ दो, या इसको तीन देंगे क्योंकि दो तक तो आप उसकी थी तीन और एक तो देगा चार। अब ये मान लगे उसके अंदर पोटेंशियल पॉइंट पी पर या पोटेंशियल वी आएगा बिंदु एस के पास, वो कितना आएगा वी एक्सटर्नल वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट क्यू अपॉन में कितना आएगा आर इंटू कितना आएगा क्यू नोट, इसका क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको बेटा के लिख सकता हूँ के क्यू बाई कितना होता आर, और ये हमारे पास कितना आ गया वी बिंदु आवेश के कारण वो कितना आया के क्यू बाई आर। ये आ गया समीकरण नंबर पांच। समीकरण पांच जो है बेटा वो बिंदु आवेश के कारण, समीकरण पांच जो है वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव को परिभाषित करती। आशा करता हूँ इस टॉपिक को समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार जाकर के प्लीज इससे मुड़ के वापस इसे फीडबैक करके देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो बेटा एक बार खुली और ट्राई करो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आला नहीं है मेरे पास समझाने के लिए, मैं आपको और करके समझाऊँ, ठीक है। मेरे उम्मीद के अनुसार आपको समझ में आ चुका, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। पहली चीज है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, देखो इस फॉर्मूले से ही लिखूंगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस फॉर्मूले से लिखने वाला हूं मैं, कुछ नया फैक्टर नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रहा क्या करना चाह रहा हूं? तो फॉर्मूला वो क्या है, बी बराबर फिर रहने को के क्यू अपॉन में कितना होगा आर, कैसे तो के अपनी भाषा बोले तो मोटोडा क्यू अपॉन में कितना होगा आर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो ये कह सकते हो कि मतलब कैपिटल क्यू है मतलब मोटोडा क्यू है, वो क्या है, वो चीज है स्रोत आवेश। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, परीक्षण धन आवेश पर निर्भर नहीं करता। यहां पर कभी भी कोई भी फॉर्मूले के अंदर टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा, आगे समझ में पहली बात। तो यही चीज हमारे पास देखनी है, बताया वो झंडा मिला सबसे पहला कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो मान होता है वो स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, परीक्षण धन आवेश पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा देखें वी व आर के मध्य ग्राम, वी व आर के मध्य ग्राम, तो बेटा यहां पे दो ग्राफ बनेंगे वी व आर के मध्य। पहली चीज ये वी है, इधर क्या ले लिया मैंने बेटा आर, तो वी व्युत्क्रमानुपाती है आर के, इसका मतलब ग्राफ बनेगा एस। अगर देखा जाए वी वन अपॉन आर के मध्य ग्राफ, तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि वी समानुपाती किसके है वन अपॉन आर के, तो ये क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंप्यूटर से पूछा गया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे जल्दी से जल्दी क्या कर दे गलत कर दे। अब अगर यहाँ पे ये जो चीज देखो सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, ये ग्राफ मैं बनाया सकता हूँ। देखो पहला जो ग्राफ है
इधर क्या है बेटा, डिस्टेंस आर, इधर पोटेंशियल, ग्राफ पहला ऐसा था। दूसरा जो है वन अपॉन में इधर आर और इधर कितना है वी, और ये क्या आएगी स्ट्रेट लाइन। एक बात फिर, पोटेंशियल जो विद्युत विभव जो होता है वो अदिश भौतिक राशि होता है, इसका मतलब इसका साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। अभी जो ये मूल बिंदु से ऊपर वाला जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बनाया गया है, वो बनाया गया है धनावेश के लिए। किसके लिए बनाया गया है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। तो नेगेटिव चार्ज के लिए कह सकता हूं अगर क्यू माइनस का है तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख लो, चार्ज पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है कि वन अपॉन आर के क्या होती है, विद्युत क्रमानुपाती होती है, वन अपॉन आर के समानुपाती होती है। यही टॉपिक थे हमारे पास बिंदु व्यवस्थीकरण विद्युत विभव के अंदर। और एक और चीज देखें बेटा, तीव्रता से कंपेरिजन करें तो तीव्रता जो होती है बिंदु व्यवस्थीकरण वो कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिंदु व्यवस्थीकरण विभव कितना होता है, वी बराबर के क्यू बाई आर। अगर यहां से मैं इसका मान रखूं तो वी बराबर, देखो बेटा समझने वाला तरीका बता रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ मतलब निकालेंगे तीव्रता विभव में समान, और वो जब निकालेंगे तो उस फॉर्मूले को पूरा सिस्टमेटिकली रीअरेंज करेंगे। हमें मान के सिस्टमेटिकली रीअरेंज का मतलब क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करेंगे। यहां मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा यहां पे के क्यू बाई आर, तो मैं दे सकता हूं उसको आर इंटू कितना होगा आर, ये देखो के क्यू बाई आर, ये तो क्या बन गया वी, सॉरी ई बराबर कितना आ जाएगा वी आर। ये फॉर्मूला बना गया, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर पोटेंशियल को मैं डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहली चीज पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, ये आपको रिमेंबर करना है। मैंने लेसन नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में आपको ये कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी स्केलर है इसलिए हमें क्या है जोड़ने में आसानी होने। तो बिंदु स्पष्टीकरण विद्युत विभव पढ़ लिया, कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, बाकी मेरे हिसाब से समझ में आ चुका सभी बच्चों को। ऐसा कुछ कोई रामबाण कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बीच में टूटे, कुछ अलग समीकरण बने, कुछ बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल स्थिति है इसके अंदर, बहुत सारा ऐसी कुछ समस्या है, तो वो कुछ है नहीं। टॉपिक है समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो भाई वीडियो बैक करके देख लेना, इसके अंदर कुछ भी। सेकंड टॉपिक जो है वो चलते हैं। हाँ, अब आप इसी देखना कि हमने जो बिंदु विद्युत पढ़ा उसमें तीव्रता का फॉर्मूला कहीं यूज नहीं है। अगर आप चाहो तो आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो तीव्रता के पदों में भी दे रखा है, आप चाहो तो उसको देखो। कोई समझ में नहीं आए तो प्लीज बताना, वो टॉपिक भी अच्छा है, वैसे भी कर सकते हो पोटेंशियल को। और अब सुनना मेरी बात को कि आगे जो भी पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, चाहे वो चालक गोला हो, चाहे महाचालक गोला, चालक की वो रिंग हो, एक्सपेडेड को भी, मैं यहाँ पे ये कार्य ल करके नहीं करूंगा हमेशा। ये कार्य वाला चैप्टर मैंने आज करके दिखा दिया आपको, पहला टॉपिक ये तो था क्योंकि आपको बुक थोड़ा अलग था, आपकी बुक में भी दे रखा, आप देखना उसको समझना, बहुत आसान टॉपिक है। पोटेंशियल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अब उन दोनों तरीकों को डिफाइन आपको समझना, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के गण क्या है, विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ये तो बेटा एकदम कहते ना कि मतलब सफा भरती टॉपिक, एकदम कहीं कोने टॉपिक के अंदर आप हाँ गोल करके देखा। सपोज करो आप एक आवेश को निकाय लेंगे, इस निकाय के कारण क्या लेना, आपने कुछ बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत विभव। अब इस निकाय के अंदर पांच छह चार्ज पड़े, इन्फाइनेट कितने भी हो, तो देखो मैंने क्या ले लिया, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q4 5 चार्ज। तो इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है R1, ठीक है, इसकी कितनी डिस्टेंस है R2, R3, R5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको एक चीज माइनस का भी दे देते हैं, ये माइनस। तो इस निकाय में, तो माना एक निकाय है जिसमें Q1 कमा Q2 कमा Q3 कमा Q4 को डैश 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 Qn चार्ज हो या Q5 से ले लो, उसके बाद इंटरव्यू का निरस्त करना चार्ज है, जिससे R1 को R2 को R3 डिस्टेंस पर क्या है, एक बिंदु P उपस्थित है, इस बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना। अब एक लाइन लिखनी है, क्या वो लाइन ये कहती है कि चूंकि विद्युत विभव अदिश भौतिक राशि है
अतः इसका योग बीज गणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला देखो क्यू वन के कारण पोटेंशियल, वो माना वी वन कितना होगा भाई साहब, के क्यू वन अपॉन में आर वन। क्यू टू के कारण विद्युत विभव, सिंपल सिंपल कर रहा हूं बेटा एकदम, ठीक है। बाकी नोट्स बनाएंगे तो आपको ऐसा नहीं करना, वो मैं आपको नोट्स में लिखे होंगे पूरे मिलेंगे। क्यू थ्री के कारण कितना होगा वी थ्री, के क्यू थ्री अपॉन में कितना होगा आर थ्री, पर क्यू थ्री किसका है भाई साहब माइनस का, तो ये लो माइनस का। क्यू फोर किसका आएगा, के क्यू फोर अपॉन में कितना देगा आर फोर। क्यू फाइव देखा जाए तो क्यू फाइव बराबर कितना देगा, के क्यू फाइव अपॉन में कितना देगा आर फाइव। तो कुल विभव कितना होगा, कुल विद्युत विभव वी नेट बराबर कितना होगा वी वन प्लस वी टू, जितने तार थे उतना ही होगा वी फोर प्लस कितना होगा वी फाइव। मान लो तो बेटा सर होगा के कॉमन ले लेता हूँ भाई साहब, देखो तो कितना आएगा क्यू वन अपॉन में आर वन, क्यू टू अपॉन में आर टू, क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री, क्यू फोर अपॉन में आर फोर, क्यू फाइव अपॉन में कितना होगा आर फाइव। ये लो, और समेशन के टर्म में लिखना था बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समेशन आर बराबर मैं इसी के पदों में लिख रहा हूं, अगर एंटर्म तक होता तो लिख देता कितना देगा एम फाइव वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेना, क्यू आर अपॉन में इसको आई लिख देता क्यू आई अपॉन में कितना देगा विद्युत चिन्ह के साथ। यही टॉपिक है, इसमें कुछ भी ज्यादा रामायण नहीं है, आपको बस रखना है और जोर देना है पोटेंशियल निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल की जो लेक्चर सीरीज होगी उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, उनको संबंध क्या होगा उन दोनों में, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। आपका जो मन में ख्याल था सर उसको अभी बताया था मैंने आपको, जो वी ईज होता है वो वी बटे में कितना होता है आर होता है, वो कैसे निकला, उस फॉर्मूले में कैसे हम सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे, उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर लेंगे और ऐसे करें कि हमारे समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपका प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।